किसी ने क्या खूब कहा है, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इंडिस्यूज में। आज दिनांक है 25 दिसंबर 2019 दिन बुधवार। आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जानते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर है दोस्तों श्री हर्षवर्धन सिंगाल। और दोस्तों इसमें जो जानने की बात है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो दोस्तों ये अमेरिका में भारतीय राजदूत थे और दोस्तों इन्होंने विजय गोखले का स्थान लिया और दोस्तों ये भारत के 33वें विदेश सचिव बने हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न, हाल ही में ITF द्वारा किसे वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो उत्तर है दोस्तों राफेल नडाल। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों नडाल के साथ एस्लो बार्टी को महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप घोषित किया गया है। और दोस्तों यह अवार्ड 2 जून 2020 को पेरिस में दिए जाएंगे। और दोस्तों जानते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने दिए? तो उत्तर है दोस्तों वेंकैया नायडू। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों वहीं जानते हैं बधाईओ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड मिला। आदित्य धर को उरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और दोस्तों अगला प्रश्न, रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया ऐप को किसने लॉन्च किया? तो उत्तर है दोस्तों ए रामनाथ कोविंद। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने राजभवन हैदराबाद में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना राज्य शाखा का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और दोस्तों इस ऐप का उपयोग ब्लड बैंक से संपर्क करने में सहायता प्रदान करना है। और दोस्तों जानते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उत्तर है दोस्तों QRSAM। और दोस्तों इसमें जो मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी दोस्तों स्थापना 1958 को भारत में हुई थी और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन दोस्तों डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। और इसका जो मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। और दोस्तों QRSAM का फुल फॉर्म क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों सतह से हवा में 30 किलोमीटर है। यह उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण हुआ है। और दोस्तों अगला प्रश्न, भारोत्तोलक राखी हल्दर ने कतर इंटरनेशनल कप में कौन सा पदक जीता? तो उत्तर है दोस्तों कांस्य। और दोस्तों इसमें जो जानने की बात है, इन्होंने स्नैच में 95 किलोग्राम और क्लीन एवं जर्क में 123 किलोग्राम के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों अगला प्रश्न, बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो उत्तर है दोस्तों मिराबा लुआंग। और दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो दोस्तों फाइनल में मिराबा ने केन योंग ओम को 21-14 और 21-18 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों वहीं जो जानने की बात है, तो महिला वर्ग में क्रीटो पॉन ने ट्रीसा को 21-12 से 16-21 और 21-16 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों अगला प्रश्न, फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता? तो उत्तर है दोस्तों लिवरपूल। और दोस्तों इसमें जो बात जानने की है,
जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस जीत के साथ ये खिताब जीतने वाली दूसरी इंग्लिश टीम बन गई है। और दोस्तों, जानते हैं फीफा का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। और दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल किया? तो उत्तर है दोस्तों, चीन। और दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों इसका नाम सेंगडोंग है। और दोस्तों, सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट शामिल हुआ था उसका दोस्तों नाम था लियोनिंग, जो कि दोस्तों सन 1980 में हुआ था। और दोस्तों, उसके बाद अब सेंगडोंग दूसरा एयरक्राफ्ट है जो नौसेना में शामिल हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, 24 दिसंबर। और दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों जानते हैं, यह दोस्तों 1986 में लागू हुआ था। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। और दोस्तों, अगला प्रश्न, जिसका जवाब दोस्तों आप लोग देंगे, और यह जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडिस्यूस में भी दे सकते हैं। और दोस्तों, जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम हमारी अगली वीडियो में आएगा। और दोस्तों, प्रश्न है, किस राज्य ने एशियाई विकास बैंक से सड़क के विकास के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए?